वो इमारत है जिहड़ी 1905 या 6 दे कहिंदे बनी सी और इधरले लोकां ने उहनूं सांभिया इतिहासक इमारत सी बेशक वो मस्जिद होवे मंदिर होवे कोई होर होवे इन्हां दे बजुर्गों ने उन्होंने सांभिया उत्थे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करता दो प्रकाश से अज एक होया की कहना चाहुंदे जो कुछ ये निकलिया वो यही सीगा कि कोई नहीं सी चाहता कि कट्ठियां बिठाया जाए ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ जिस तरह अज माहौल तनावपूर्ण बनया सी इस तरह अगे भी बनया सी तो सानू ऐ लगता है भी सन 47 वाली जिहड़ी वड्डा टुकी वो कितने साडे पिंड च फिर हो जाएगी देखो सारे नौजवान सारी संगत जिहड़ी पिंड दी है इन्हां दे बहुतियां दे नावां दे नाल तकरीबन बहुत आदे नावां दे नाल सिंघ भी लगता है पर इस इलाके दे विच प्रचार की कमी रह गई है जां कित्थे कमी रह गई है सिखां दे प्रचार की बाकी तो डेरे तो बड़े इत्थे सानू कल ही पता लग्या भी 5 किले जमीन लगी लई हैगी उन्हें 45 लाख नूं किले दे हिसाब नाल उही जिहड़े पैसे दे के कहिंदे भी साडे चारों ते डीजे ला के इदां बुड़का बुड़का मारदे काफ़ी कुछ एक नवां ड्रामा चल रहा पंजाब दे विच इहनां नूं असीं सिखी दस ही नहीं सके असीं गल नाल ला ही नहीं सके किदां सिख बणनगे बयान दे रहे हां सिख चार बच्चे पैदा करन है ना हासू ही ने आ बच्चे किदे हैगे आ बच्चे वेखो सारे बच्चे सिखां दे नहीं हैगे इन्हां च कौन हिंदू आ सारे सिख हैगे आ सुखबीर बादल दा हलका हैगा इह मैं मैनूं पता लग्गा इह है ना सुखबीर बादल दे हलके विच उह कहिंदे जी उह तां चक्की बड़े वंड दिंदा जी उह तां जी नेहरी लिया दिंदे जी बहुत ग्रांट आ गुरद्वारा साहिब ली ना किते कोई गल बणी ना उहनां कोल जिहड़े साडे प्रचारक वीर आ उह वी विदेशां दीआं सैरां वल नूं जांदे आ विदेशां वल कहिंदे जी उत्थे जा के सिखी दा प्रचार करांगे हुण अग लगी होए आपदे घर ते पाणी पाउण असीं गुआंढियां दे पिंड नूं तुरे जाइए फिर उहदा की फायदा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दी तस्वीर पाई होई आ इस इलाके च कदे कोई श्रोमणी कमेटी वल्लों कोई होर जिहड़े वड्डे वड्डे बाबे कोई प्रचार करन आया आए सी जी ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ मैं कहना सिखी ना जोड़न वालियां बनाईया जाण तां को साडी नवी जनरेशन जिहड़ी है सिखी वल झुक सके केसा दे रख सकण और सिखी दे पाए पूरनिया ते चल सकण हुण इह इत्थे तां तुसीं अज साबत सूरत देखदे आं अगले पिंडां विच चलांगे मैनूं जाण दा मौका मिलिया सी उत्थे बिल्कुल केसां तों रहित मतलब क्लीन शेप जिहड़े ग्रंथी हैगे आ उत्थे ग्रंथी कौन दे के आऊगा उत्थे सिख रहित मर्यादा कौन कदों पहुँचाई जाऊगी असीं असीं पनिहारे वाले नूं गाला कढ़दे आं नूर मेलिए नूं गाला कढ़दे आं सौदा साध नूं गाला कढ़दे आं ना इन्हां नूं सांभूगा कौन असीं सोचिया भी इत्थे हालात किहो जिहे होणगे भी इत्थे पुलिस आवेगी आप झगड़े लड़नगे हालात किहो जिहे होणगे सानूं डर लगदा सी पर असीं गुरु दा आसरा ला के गुरु अग्गे अरदास बिनती करके तुरे हाँ घरों भी गुरु गोबिंद सिंह तुहाडा काज तुसीं करना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਇਸ ਹਰੇਕ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
जलालाबाद इलाके पिंड लादूका जिला कि जिला फाजिलका पैंदा उत्थे पिछले 1947 की वंड वेले तो लैके एक मस्जिद की जिहड़ी इतिहासक इमारत दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दो प्रकाश सी। इक्को ही इमारत जिहड़ी कि पिछे तुसीं इस वक्त भी देख रहे हो कैमरे दे विच, बेशक रात का समय तुसीं देख सकते हो। पंजाब के टी वी ने भी इस जिहड़ा हैगा मामले दे उत्ते कवरेज की। एक बिल्डिंग दे विच दो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश, उनकी वजह की सी, कारण की सी, जिहड़े भी कारण रहे होण, पर कुल मिला के जिहड़ा हैगा गुरबाणी सिख रहित मर्यादा के सिद्धांत की उलंघना की जा रही थी। अज गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी तो भाई सुखजीत सिंह खोसा और होर सिंह जिहड़े ने पंच सिंह इत्थे पहुँचे, उन्होंने संगत को बिठा के काफ़ी लंबा समा जिहड़ा हैगा विचार चर्चा हुई। गुरु महाराज की हाजरी च यह निर्णय होया कि हुण एक प्रकाश किया जाऊगा। असी पूरी गलबात जिहड़ी हैगी आ खोसा साहब ते पिंड की संगत नाल करांगे। स्वागत है खोसा साहब पंजाब के टी वी ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला खोसा साहब यही है भी 47 तो पुरानिया जो असी गल्लां कुछ भी यादगार साढ़े सामने आउंदी है वह सारा साड़ी अखां अगे घटनाक्रम आ जांदा, जिद्दां उजाड़ा होया मुसलमाना का भी होया सिखां का भी होया, खास करके पंजाब वंडिया गया। और ये वो इमारत है जिहड़ी 1905 या 1906 कहिंदे बनी सी और इधरले लोगों ने उन्हूं सांभिया। इतिहासक इमारत सी, बेशक वो मस्जिद होवे मंदिर होवे कोई होर होवे, इन्हां दे बजुर्गां ने उन्हूं सांभिया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करता। दो प्रकाश सी, अज एक होया, की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा की आ साडे सत्कारयोग बाबा बलकार सिंह जी, बाबा दलपाग सिंह जी, भाई काशदीप सिंह जी ते होर सारे संगत दे रूप में सारे गुरमुख प्यारे गुरु ने कृपा की आ। सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ परम पद पाई वाला जड़ा उन्होंने आप कराया आपे, क्योंकि सतगुर पातशाह दे काज मनुख नहीं सवार सकदा। ये किसी ना किसी तरह जड़ी पिता पुरखी रीत चली आउंदी आ, क्योंकि ये इन्हां दे वस दी गल नहीं हैगी सी। जड़े समाज विच्चों असीं निखड़े हाँ, जड़े समाज का वध बोलबाला रहा आ मनुवाद ब्राह्मणवाद, वो अक्सर ही सानू श्रेणियों में जातां पातां में वंडदा सीगा। अफसोस कि इस नगर में भी गुरु ग्रंथ साहिब की इदां करके दो थावां ते प्रकाश होकर वंडी पैगी, परंतु उन्हूं हटाउण वास्ते जिहड़े साढ़े SGPC दे प्रचारक हैगे आ, मैंबर हैगे आ, जां होर साढ़े सियाणे सुहद हैगे आ, उन्हां नूं सिर जोड़ के बैठना चाहीदा सीगा, नहीं बैठे, क्योंकि पुजारी वर्ग ने हमेशा ही लाहा लैण की कोशिश की आ, पाड़ो तो राज करो। जो कुछ ये निकलिया वो यही सीगा कि कोई नहीं सी चाहुंदा कि कट्ठियां बिठाया जाए। इन्हां दे बच्चों के जन्मदिन सांझे आ, आनंद कारज सांझे आ, अंतम रस्मां सांझियां आ, प्रकाश भावें दो सीगे दे प्रसाद एक ही वंड लैंदे सीगे, मतलब कितने ना कितने जिहड़ी कोई बुद्धि कम करदी सीगी ओह सीगी कि जे ये वख वख रहन ते साडा कम चलदा रहे। उस नीति तहत ये विचारे विछड़े रहे हैगे आ। दूजा सिख्यारता की घाट, अज नौजवान वर्गा बेशक वो केसाधारी नहीं हैगा परंतु वह जागरूक आ, वह समय दे हाणी आ, वो सिख रहित मर्यादा पढ़ते आ, गुरु साहब के इतिहास में पढ़ते आ, सारे ही इत्थे अज मैं देखा सीगा कि बड़े चिंतित सीगे ते ओ मतलब ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते सॉरी, परंतु गुरु साहब ने कृपा की। तुहाडे चैनलों का भी सत्कारयोग वीरां दा, तुहाडा दा चैनलों का भी धन्नवाद आ जिहड़ी तुसीं गल नूं लैके आए साडे तक पहुँची, क्योंकि इधरले पासे नूं वुहान नहीं हैगा, बार्डर वाला एरिया हैगा, इधर नूं कोई प्रचारक आके राजी नहीं हैगा, कोई नहीं आके राजी, ईवन ना श्रोमणी कमेटी मैंबर आके राजी हैगे आ, कोई इत्थे आके राजी नहीं हैगा। ते जे दुख सुख दुख जिहड़ा वंडाया घटदा, सुख सांझा करिया खुशी वधदी आ, दुख भी वंडाया होया घट जांदा हैगा, ठीक है। इस करके इन्हां दे इस दुख विच किसी ने आण के शमूलियत नहीं कीती, गुरु ने कृपा की, अज आपां नूं सारे सिंघां नूं इत्थे भेज के उन्होंने आपदा जिहड़ा कारज वा वो आप मोर्चा फतेह करवाया जी। जिदा हुण 47 छोटी गल नहीं गी जी, तुहाडा भी जन्म बाद दा साडा सारिआं दा ही बाद दा होया, तो 47 तो लैके जिहड़ी एक ये परंपरा ही सी भी दो महाराज के प्रकाश हुंदे सी, दुख सुख हुंदा सीगा, क्योंकि पिंड दे विच वड्डी गिणती दे विच दो बरादरियां दे जिहड़े हैगे लोक रहिंदे, हालांकि सिख दी कोई जात पात नहीं हुंदी, असीं नहीं कहिंदे भी इहनां दी जात आ, पर यह बरादरी क्योंकि जिद्दां शुरू तो
चलता आता है ना सीने पसीने इन्हों का। उस तरह ही दो बरादरिया के मुख्य तौर पर मुख्य धारा च लोग रेंदे आ, वो कहिंदे भी क्योंकि ग्रंथी सिंह भी एक उस परिवार नाल संबंधित सी उदों दा, तां उन्हां नूं समझा के एक करना किड्डा खास सीगा, क्योंकि चर्चा बहुत हो रही सी पिंड दे विच, क्योंकि कई वारी माड़ा मोटा इन्हां दा आपसी बोलबाला भी होया, परसों असीं कवरेज करके उधर भी थोड़ा बहुत हो गया, पर फिर भी सुहिरद लोगों ने सोहना माहौल बनाया, तो किड्डा औखा सीगा इन्हां लोगों नूं एक करना, क्योंकि उन्हां दा फायदा तो सिख विरोधी लै ही रहे ने। देखो जी, अग नूं अग बुझा नहीं सकदी, जे अग नूं अग नाल बुझाया नहीं जा सकदा। नौजवानी अग वर्गी हुंदी है जी, तो इन्हां नूं गुस्से नाल कुछ नहीं कहा जा सकता, प्यार नाल गलवक्कड़ी च लैके इन्हां कोलों जो मर्जी करा लो, साढ़े को कड़ा कोई संजीवनी बूटी सी। जे असी विरोधी शब्द वरतदे तो हो सकता साढ़े नाल भी उहो हाल हुंदा जिहड़ा इत्थे जथेदारां दा हो के जांदा रहा, उह फेल पैंदे रहे आ। प्रेम दे नाल जिन प्रेम की उह तिन ही प्रभ पायो, प्रभु दी गल आ, इह संगत विच प्रभु दा रूप आ। प्रेम नाल गल कीती ए साडे नाल हेलमेल होई आ, गल सारी गल दा उह रिजल्ट निकल आया। दूजी गल जिहड़ी तुसीं 1947 दी कहिंदे आ, याद इह जिहड़ी मसीत विच प्रकाश करना उदों दी मजबूरी सी, एक तरह यादगार वी संभाल के रखी आ। हुण अगले बन्ने डिवेलपमेंट हो सकदी, सारा कुछ हो सकदा सीगा, पर असीं ग्रेशिया ग्रांट दिंदे आ जी, दूजियां ग्रांटां दिंदे आ जी, 10 लाख दा चैक फलाने नूं देता जी, फलाने नूं देता। आ गरीब सिखां वास्ते जिहड़ा कौन चेक दऊगा, इन्हां नूं इमारतां कौन बनवा के दऊगा, कौन गुरद्वारा साहब दा इंतजाम करके दऊगा, किन्ने प्रचारक हैगे इन्हां नूं, पिंड वालियां नूं पुछ लो, कदे श्रोमणी कमेटी दा प्रचार किथे आया होवे जिन्हें आण के कथा कीती होवे, कदे श्रोमणी कमेटी मैंबर आया होवे, जिहड़े बच्चियां दे मुकाबले हो के श्रोमणी कमेटी दे मैंबर डायरियां भरदे आ ते रोज़ तनखाहां लई जांदे आ, प्रचारक भी सब कुछ, किहड़ा लाधू के पिंड दा कोई उन्हां ने कदे डायरी भरी होवे जां बच्चियां दे सिग्नेचर कराए होण, किन्नियां बच्चियां नूं रहत मर्यादा सिखाई जां दूजी तीजी, जे उह किते दस सकदे होण तां किते तुसीं गाहे बगाहे गेड़ा वज्जिआ ते तुसीं जरूर उन्हां नूं पुछिओ। दूजी गल, जथेदार अकाल तख्त साहब उह रोज़ कहिंदे रहिंदे हैगे आ कि प्रचार करे जी श्रोमणी अकाली दल, हुण बादल सुखबीर बादल दा हलका हैगा इह, मैनूं पता लग्गा इह है ना, सुखबीर बादल दे हलके विच उह कहिंदे जी उह तां चक्की बड़े वंड दिंदा जी, उह तां जी नेरी लिया दिंदे जी, बहुत ग्रांट गुरद्वारा साहब ली ना, कितने कोई गल बनी ना उन्हां कोल है ना, कहिंदे जी असीं पंजाब सोने की चिड़ी बनाता जी, बहुत कुछ करता, तो इस पिंड इन्हां पिंडां वास्ते गुरद्वारा साहब, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸੋ ਵੀ ਨੇ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਥਾਨ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੱਡ ਗਲਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਉਹ ਐਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੜੇ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਨਿਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਕੌਣ।
ठीक है ना। इन्हों कौन सामभूगा इन्हों के बच्चों की कदे कदे इन्हों के बच्चों दूल दलासा कदे इन्हों आण के धार्मिक विद्या कदे कुछ होया हो जे इतने गुरद्वारा नहीं बना सकते तो अं मैडिकल कॉलेज खुलन की कदों आस कर सकते हैं भी इतने कदों खुलूगा। सो इस करके साड़िया कमिया है इन संगत कच्चा दुध आ जी कच्चे दुध में उबाल के पनीर बनाया जा सकता गुलाब जामुन बना लो रसगुल्ले बना लो हाँ जी दही पल्ले बना लो जो मर्जी कच्चे दुध तो तैयार कर लो। जे मेरे वर्गे बेवकूफ दे बेवकूफ बीबी के हाथ च आ जाए तो वह दो खट्टे के दाने पा के तो सारा दुध बरान कर देंदी है। संगत कच्चा दुध आ कच्चे दुध में जिधर न मर्जी मोड़िया जा सकता पर इस पास उपराले नहीं हो रहे ये जिहड़ा चिंता का विषय है। दूजी गल जिहड़े साडे प्रचारक वीर आ वह भी विदेशों दीआं सैरां वल नूं जांदे आ विदेशों वाल कहिंदे जी उत्थे जाके सिखी का प्रचार करांगे हुण अग लगी होए आपदे घर ते पानी पाउण असी गुआंढियां दे पिंड नूं तुरे जाइए फिर उहदा की फायदा। इत्थे अज जिहड़ा प्रचार की लोड़ हैगी इत्थे पानी पाउण की लोड़ हैगी असी जिन्नी जोगे होए हुण कोशिश करांगे जिन्ना साडे कोल सरिया बणिया क्योंकि असी अमीर सिख नहीं हैगे असी इक आम गरीबड़े सिख हैगे आ जिन्ना साडे कोल सरिया बणिया असी इत्थे इहनां संगतां दे जरूर जोड़े झाड़न की कोशिश करांगे। तो तुहाडा संगतां दा ते सब तों वध सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का कोटन कोट धनवाद आ जिन्ह ने अज अपने बच्चों बुक्कल विच लै के सारी एकता कराई हैगी मर्यादा बहाल कराई हैगी मीडिया वाले अकाल चैनल के टी वी वाले वीर तुहाडा भी वड्डा रोल आ तुहाडा भी धन्यवाद सुनने वाली संगतां का भी धन्यवाद। अंत विच फिर पिंड दे बजुर्गों का नौजवान वीर का बच्चों का ते सब तो वध धन्नवाद मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का जिन्होंने मर्यादा बहाल कराई आस करदे आ कि अगे ये सारा जिहड़ा प्रबंध आ बड़े सच्चे ढंग नाल चले तो असी जिहड़ा इत्थों गुरमत गाड़ी राह की जिहड़ी गल नूं अगे तोर सकीए। तो इस सन भाई सुखजीत सिंह गोसा बड़े विस्तार दे नाल दसा भी वजह की है आखिर कित्थे कित्थे भुल चुक होई है कित्थे कित्थे कमी रह गई भी इन्हां इलाकों के क्यों आखिर 1947 तो लैके अज तक इन्होंने बेशक श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार किया नहीं भी इत्थे कोई बेअदबी हुंदी सी जां जिहड़ी हैगी है कोई जानबुझ के जिहड़ी हैगी कोई इस तरह की गलती की जाती सी नहीं अजिहा कुछ नहीं सी बस दो प्रकाश जिहड़े आ एक बिल्डिंग दे विच कीते जा रहे सी 1947 तो कीते जा रहे सी कितें बरादरी की गल होवे जां कितें जागरूकता की कमी करके जां प्रचार ना होया अजिहे जिहड़े कारण हैगे आ काफ़ी संगत हैगी तुसीं कैमरा घुमा दिओ हालांकि इत्थे हज़ारां की गिणती सिख संगत मौजूद सी सुबह तो लैके कई घंटे जिहड़ी गलबात चली है तो उस तो बाद संगत जिहड़ी चली गई है असीं पहलां पिंड की संगत नाल एक दो मिनट गलबात करांगे फिर होर सिंह साहब जिहड़े पंज सिंह आए उन्हां नाल भी गलबात करांगे। देखो सारे नौजवान सारी संगत जिहड़ी पिंड दी है इन्हां दे बहुतिआं दे नावां दे नाल तकरीबन बहुतां दे नावां दे नाल सिंह भी लगदा पर इस इलाके दे विच प्रचार की कमी रह गई है जां कित्थे कमी रह गई है सिखां दे प्रचार की बाकी तो डेरे दे बड़े इत्थे सानूं कल ही पता लग्गिया भी 5 किले जमीन लगी लई हैगी उन्होंने 45 लाख नूं किले दे हिसाब नाल उही जिहड़े पैसे दे के कहिंदे भी साडे चाजो ते डीजे ला के इदां बुड़का बुड़का मार दे काफ़ी कुछ एक नवां ड्रामा चल रहा पंजाब दे विच उन्हां ने इन्हां दे पिंड च 5 किले 45 लाख नूं लै लए ने तो साडे प्रचार कित्थे आ। तो पहलां मैं इस वीर नाल गलबात करांगा। हाँ जी वीर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहला तो जिहड़ा अज्ज फैसला सत्कार कमेटी वाले सिंह आए खालसा जी खलोते जिहड़ा अज्ज फैसला होया उहनूं तुसीं किवें लैंदे हो भी एक प्रकाश गुरु साहिब दा होएगा। सब तो पहला धन्नवाद है पंज प्यारां जिहड़े रब दा रूप धार के साडे पिंड दे विच आए क्योंकि जेकर ये नहीं आउंदे प्रशासन ना आउंदा इत्थे अज्ज कुछ भी हो सकदा सी क्योंकि अज्ज दा नहीं चल रहा ये 2018 तो चल रहा हौली हौली तुसीं पिछे भी आया तुहानूं दस्सिया सी असीं तां इही चाहुंदे आ कि महाराज दा सरूप इक होवे। कुछ विच लोग अगे सी वह सोचते सी पता नहीं की हो जाएगा एक हो गया तो अज महाराज ने साडे ते मेहर की कि महाराज स्वरूप एक हो गया अज असी बहुत खुश हाँ जी एक हो गया। बाबा जी थोड़े आप परसों भी मिले से आप तुम उदन भी कहा भी एक प्रकाश हो असी भी संगत एक जगह पर बैठे ना हो बखरा पाठी अपना प्रसाद वंडे अपना वंडे उधर वक्री अरदास हो वक्री होदन असी वेख्या अखी वेख्या से उदन है ना क्योंकि एक पास अरदास हो रही थी दूजा सिंह उदा ही खलोता से एक पास सुख आसन की सेवा हो रही थी सोहिला साहब का पाठ करके दूसरा सिंह वैसे ही गुप्त सेवा करता होगा बाणी पढ़ता होगा तो बड़ा अजीब लग्या सानू अज हुण एक प्रकाश का फैसला हो गया तुहानू किवें लग रहा जिहड़ा अज फैसला होया जी ये 70 साल बाद साडे गुरु साहब अज एक छत थले विराजमान हैं सानू बड़ी खुशी है साढ़े पिंड असी सारे रल मिल के सारे वीर ने
ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦਾ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਏ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਏ ਜਾਣ ਮੇਰੀ। ਗੱਲ ਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਅਤੇ ਪਰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੇ ਸੰਨ 47 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਗਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर असीं किते ना किते नज़रअंदाज किया इस गल नूं कि ते ओह ना होवे फिर सानूं कुरबानियां देनियां पैण। साडा देश साडा पंजाब फिर किसी ने किसी दिन गुलाम ना हो जाए, क्योंकि मैं किसी धर्म के बार खिलाफ नहीं बोलता। तुहाडे कोल दा पावर है, तुसीं कह सकते हो। साडे तां संगत भी विच इत्थे हरेक धर्म नूं ही पखंडियां नूं मड़ा ने धर्म नूं ही मड़ा ने। हाँ नहीं फिर भी है कुछ भी है भी वह फिर इशू बन जाता है ते तुहाडी मालक ने ड्यूटी लाई है। सो इस तरह का सब तो वड्डा सतगुरु नानक है। बिल्कुल सब तो वड्डा सतगुरु नानक है। तो इन्हें भाई जी एक इतने ना वधिया सामने आयो, देखो इस इलाके चों तां सिक्खी दे प्रचार की कमी है, पर कहिंदे ना जदों डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। इह नौजवान दे केस कतल ने मूँह ढकिया ढकिया ही रहे, कोई नहीं चढ़दी गल आया। नाम तुहाडा की है? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਧਰ? ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ? ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ? ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ। 18 'ਚ ਟੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਜਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਿਸੋਂ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 47 ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਦੂਹਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦੀ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਸਕੇ, ਕੇਸ ਆਦੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨੀਚੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਖਹਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਜਟ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦਾਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ
बड़ी शर्म वाली गल है। असी पंजाब विच बैठे हाँ, माँ बोली साड़ी पंजाबी है। गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों असी वर्ल्ड विच पहला दर्जा सब तो उत्तम जिहड़ा धार्मिक पुस्तकों के विचों मनते हैं, इन्हें पाए पूर्णिया ते दुनिया चल रही है। खालसा एड वर्गियां जथेबंदियां जिन्हें वर्ल्ड विच आदा नाम बना लिया आदि जिवें कहिंदे गुरु दे दित्ते पाए पूर्णिया ते वधिया ढंग नाल चल रहे हैं सारियां जथेबंद। सो एक ग्राउंड जीरो ते भी ये करना पड़ेगा। मैं खालसा जी ने भी गलबात करनी, फिर समाप्ति करनी है। जरा थोड़े इलाके जा सड़क ते ही उदन आप गल्लां बातें करते, पता लगा भी इन्ने लख नूं उन्होंने जगह ली है। फिलहाल चलो हर एक नूं आजादी आ, वो अपने धर्म का प्रचार आजादी ना कर सकता, पर किसी नूं ये आजादी नहीं गी भी किसी कौम के किसी धर्म के मजबूर लोगों का नजायज़ फायदा चुक के उन्होंने कराहे पावे, क्योंकि कराहे आ वो। कोई देखो हुण तुसीं मान लो तुहानूं कोई बीमारी आ, कोई आ हो गया, तुहानूं उत्थे सद के झूठे तौर पर है ना नच गा के आ गया ओ ला ला ला, ये किहड़ा धर्म का प्रचार है तुहाडे इलाके सब तो वध हो रहा है। मैं एक गल का तुहानूं जवाब देना, जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहब असी साडे प्यो दादे अगे करदे सी, मत्था टेकदे सी, दुखी सुखी असी इन्हां दा आसरा लैंदे सी, सानू पता है सानू इहदा ही इस टाइम मतलब गुरु साडा है उहदा ही आसरा लैणा। पर किते ना एक चीज़ नूं आपां सुबह मत्था टेकना या शाम को मत्था टेकना उन्ने तक सीमित रह रहना, एक वो माहौल क्रिएट करना। सो आज समा है वो माहौल बनाउण दा, प्रचार करन दा माहौल है। ये क्यों होया? क्योंकि वो आपदे पल्लू पैसे देंदे है, उत्थे झाड़ फूक आपदी करके उन्होंने लोगों को बुद्धू बना के पैसे दे के आपदे नाल जोड़दे, थोके दुख है उत्थे नचदे टपदे जो करदे। सो आपां ये उन्हां दी बेअदबी सारे धर्म अपने लिए बड़े सत्कारयोग ने, पर किते ना किते अज कब्जा हो रहा है जी, मां बोली का पंजाबी भाषा से बड़ा सख्त वार हो रहा है। दसो जिदा क्या भी कि थोड़े तक भी उन्होंने कदम पहुँच की भी इधर रल जो जाएगा कुछ जो थोड़े ध्यान च हो कुछ परिवार? वेखो जी जेड़ा तकरीबन असी आदे मूँह आदे मियों मिठू नहीं बना गए, पर ये करते जेडे मजलूम ज बेसारा दुखों के मारे जिन्हों सोच हरेक इंसान की सोच उच्ची, पर उन्होंने सिर्फ उन्होंने मोढ़े त्यात रखने वाली संगत चाहिए है जा कोई व्डे वडेरे चाहिए। सो इस चीज़ की कमी है, प्रचार की कमी है साढ़े। हुण तुसीं वेखो गुरद्वारा साहब इत्थे साडे लागे कोई ए जी जगह नहीं हैगी, रोड के उपर है जी कोई नहीं हैगी जिथे 24 घंटे साढ़े लंगर चलता हो, प्रशासन उत्थे हफ्ते बाद जो कोई ड्यूटी लग प्रचारक आन सिंह संगत नियाल कर जिमें टडरिया वाले एक दो आए, पर वो किसी आलत करके आप किसी की निंदा चुकी नहीं करते जो सोशल मीडिया रही उन्होंने बारे सुन रहे हैं। सो असं ये नहीं चाहवें एक सांझे पंजाब भाई रणजीत सिंह आते रहे, बड़ी कृपा से महाराज की, बड़ा सोहना कृपा से कृपा सिख संगत जुड़ी है। आने वाले समय से असं SGPC तो मांग करते हैं भी आपके कुर्सियों के झमेलियां छड़ के कुर्सियां दे झमेलियां नूं छड्ड के लोगों प्रति अज मां बोली ते वार हो रहा, साडी पंजाबीयत ते वार हो रहा है, लोग केस कटवा रहे हैं। ऐ जी सोच बनाओ भी सिक्खी नूं बढ़ावा देण, सिक्खी नूं बढ़ावा देण, साडे एरिए लई कुछ करन। सो तुसीं गल उस दिन कीती गुरद्वारा साहिब दी, परमात्मा ने सब कुछ दिता सी, रोटी खा के सौंने जी, फंडिंग भी होएगी, गुरद्वारा साहिब भी बना कर देण, आसरा तां वधिया दिता सी आदे जदों हुण परमात्मा ने सदबुद्धि बख्शनी सी आ होना सी, तुहाडे आउण नाल एकता साडे च होई है। गुरद्वारा बिल्डिंग भी बन जाणी, तुसीं सारे भी केस रखो, तुहाडा नाम जसविंदर सिंह है? हाँ जी जसविंदर सिंह सिंह, तुहाडे तक उन्होंने पहुँच नहीं की अजे तक, वो हला लाला करन वाले ने। तुसीं होर भी नौजवानों नूं चंगे राय, क्योंकि ना तुहाडा बार्डर इलाका बदनाम बहुत आ, कहिंदे भी ये तो बैकवर्ड आ जी, इन्हों बोलन की नहीं अकल, माफी चाहना शब्द, कहिंदे इन्हों रहन की नहीं अकल, ये तो नशा करके सुते रहिंदे। पर मैंने तो जो ठीक है कोई एक दो सारी दुनिया च होंगे, पर तुम सियाने खुद अपना माहौल बदलो, लोग कहने यार बार्डर इलाका। मैं इतने तुम एक गल कहांगा, तकरीबन ही जी सा बॉर्डर पट्टी बैठी है ना, ये बेचारे सब तो ज़्यादा बॉर्डर पट्टी ने मार चली जो 47 का एड्डा व्डा साढ़े तो सब तो ज़्यादा, मेरा सारी फैमिली जी असी उधरों आए हाँ, उजड़ के साढ़े आप कृपाना ना वड्डे गए, दुख मुसीबत वेखिया, डर लगता है। मेरी दादी जी रात अजे भी सुपने चुट के पिछे जो देहांत होया उन्होंने बोलते सी, सो असी गल्लां सुनिया उन्हों को। सो जो वह जहाँ माहौल सी जे जहाँ साढ़े इतने सी पाशा है, हरेक एरिए अपनी अपनी आँदी है, पर किते ना किते सिक्खी ना साडा हरेक इंसान इत्थे जुड़िया है, थोड़ा जरूर जुड़िया है, सिर्फ उन्होंने की लोड़ सी एक मोढ़े ते हाथ रखण दी लोड़ सी, होर किसी चीज़ की असी मंग नहीं करते। सिर्फ सानू जिवें आपां बच्चों नूं पढ़ाउने आ स्कूलों च पढ़ाउने आ, साढ़े ते भी एक टीचर है जां ला दिता जांदा कोई, असी सिंघां दे नां दे नाल सिंघ लाउने आ, असी सिंघ आ,
सिंह सिर्फ है कि साढ़े तो टीचर की जरूरत सी। वह टीचर असी माझे दुआबे वाली जाने गुरुद्वारा साहब है गया। मैं मल्ला वाली साइड काफा काफ़ी ज़्यादा जाता रहा हूँ वेखना गुरुद्वारे बड़े सोहने छोटे छोटे पिंडा ने बनाए हुए हैं। गुरु का लंगर चलता है सिर्फ उत्तर माहौल वो जहाँ क्रिएट होया क्योंकि साढ़े है जी गुरु गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित करने वाली कोई ए जी वड्डी कोई संस्था इत्थे मैं कहना ब्रांच एक सेंटर बन जाए जिंदे चो लोग आपदी बच्चों की स्टडी का ज सिक्खी बारे उन्होंने प्रचार बहुत कीमती गल जी नौजवान ने कही हैगी बहुत कीमती भी इस इलाके प्रचार होना चाहिए साढ़े अंदर सिक्खी की भावना हैगी पर संगत का असर होंगे ना जिस तरह सिंह साहब जी आए हैं भाई खोसा साहब आए हैं होर आए हैं जिन्हों इलाक प्रचार कर रहे हैं उधर उनकी आउटपुट भी है उनका नतीजा भी है तो असं जाते जाते गलबात करा। हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला कोटानकोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हें महान बख्श की है। दूजी मैं बेनती करना चाहवागा भी जदों असं इतने आना सी ना अभी सोचे भी इतने हालात किहो जिहे होणगे भी इतने पुलिस आएगी आप झगड़े लड़नगे हालात किहो जिहे होणगे सानूं डर लगता सी पर असं गुरु का आसरा ला के गुरु अगे अरदास बेनती करके तुरे हाँ घरों भी गुरु गोबिंद सिंह तुहाडा काज तुसीं करना है। जदों असीं आ के इन्हां नाल गल्लां बातां कीतीआं असीं हैरान रह गए इन्हां दी गल्लां सुण के भी इन्ना प्रेम इन्ना प्यार गुरु का मैं तो सुन के हैरान होया कुछ दस रहा सी 1947 जिते साढ़े लोग आए ना उतों जुड़ के आए आप साढ़े बच्चे उधर रह गए साड़िया बच्चिया उत्थे रह गई हो पर इतों के बजुर्ग गुरु ग्रंथ साहब लैके आए नाल इतने 1947 इतने कि प्यार अंदर गुरु उन्होंने पता ही हैगी जो असं इन्हों मिले मेरे गलबात की असल में यह सारी जी जित जड़ हो फैसला होया पिंड पिंड करके ही होया है। इन्हों गुरु का प्यार है गुरु की श्रद्धा। दूजी मैं बेनती करा जी की प्रचार की गल की है इन्हां दे अंदर सिक्खी पई हुई है अंदर गुरु का प्यार बैठा है पर थोड़ी जी बाहरों लोड़ है थोड़ी जी इन्हां नूं सिक्ख्या देण दी। असीं कोशिश करांगे क्योंकि दास 3 साल तो लगातार पिंडा पिंडा च कंप ला रहा बच्चों के और पिंडा पिंड जाके सेवा कर रहा है गुरु साहब सेवा लै रहे साढ़े कोलों असीं अगे वास्ते भी ये करां कोशिश। असीं 30 तरीक नूं रख लिया समागम इत्थे रात का गुरमत समागम रख्या है गुरु ग्रंथ पहला प्रकाश दिवस इतने मनाना सी रात को उस तो गांह भी असं इन्हें जुड़े रहेंगे। दूजी गल जो असं आए थे इन्हों चेहरे का निराशा बड़ा सी ये कह रहे सन कि साढ़े ला पिंड की बदनामी बड़ी हो गई आ जो बाहर गल गई ना भी पिंड का कुछ हो रहा सत्कार नहीं गुरु का हो रहा कहने लगे बदनामी बड़ी हुई है पर अज वेखो गुरु ने कृपा की है पूरे पंजाब ये पिंड पहले नंबर पर आ गया जी इन्ह पिंड बैठ के पिंड संगत ने पिंड बैठ के अपने मसले आप हल ही कर लेने। मैं बेनती करना चाहवा साढ़े पंजाब के लोगों जेडे पिंडा च जातिवाद के गुरद्वरे बने हुए ने वो गुरद्वरे हटाओ एक गुरद्वारा बनाओ तो वो जरा पैसा ना वो गुरद्वारे ते ना लाओ वो गुर पैसा प्रचार से लाओ अपने पिंडा पिंडा जाके जेडे ग्रंथी सिंह आ कथावाचक मेरे वीर ने घर बैठे ने घर चो निकलो तुम सेवा करो तुम मैं वाधू रब दे दूंगा ये ना सोचा करो पिंडा पिंडा जाओ पिंडा लोगों प्रचार इतने प्रचार की लड़ है असं अगे वास्ते इतने आते रहेंगे असं ये आप ड्यूटी निभावे साढ़े गुस्से वाले साढ़े को सिंह साहब तुम की कहना चाहते हो 30 तरीक इतने समागम रखता जाते जाते छोटा जिहा सुनेहा। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुम बेनती की 30 तरीक के समागम आ 30 तरीक न श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा वा वो अं विचार किया क्योंकि इतने गुरद्वारा साहब महाराज स्वरूप एक प्रकाश होया वा वो इतने मनाया जाएगा और जदों ये प्रोग्राम लेके असी संगत को दसिया तो संगत के मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई चा हो और सब तो वह जिमें बाबा जी ने कहा भी धन्यवाद इस नगर दियाँ संगतों का जिन्हां ने सानूं जदों इत्थे आए बहुत ज़्यादा लोड़ तो वध प्यार दिता हालांकि सादे मन डाउट से असीं तो जावांगे किस तरह का माहौल होगा उत्ते पुलिस लगी होगी प्रशासन होगा असीं किस तरह गलबात करांगे पर कलगीधर पातशाह ने बहुत कृपा की है और सब तो वड्डी गल है कि जे इत्थे दो ग्रंथी सीगे जदों एक प्रकाश करन दी गल आउंदी सीगी ते फिर दो ग्रंथी सीगे इत्थे दुविधा खड़ी हुंदी सी किहड़ा ग्रंथी हटाया जावे क्योंकि जो एक ग्रंथी हटावे तो फिर दूसरे के प्रति वो नफरत जी आई हालांकि साढ़े मन की गल सी पर जो संगत के सामने गल आई कि दो जो ग्रंथी इस दो ग्रंथियों ने त्याग विखाया बेडो किड्डा वड्डा त्याग विखाया वा कोई अपना बलिदान नहीं दिता अपनी रोजी रोटी कोई नहीं छड़ता पर दोवां ग्रंथियों ने इस गल के नगर के फैसले को प्रवान किया कि जी पिंड की कतरता होंगी आ एक प्रकाश हों तो अं दोवें ग्रंथी जी ड्यूटी छड़ते हैं और अज तो ही दोवें ग्रंथी जी फारग हो गए एक प्रकाश किया गया वा और जी नगर की संगत जी सारी आ
चा पूरा हो कतरता ही हुई है। और मैं बेनती करनी चाहता वा श्रोमणी कमेटी को सिंह संस्थावां नू ये दो ग्रंथी जिन्होंने त्याग विखा के अज दोवें आप अपने अहुदे छड्ड दित्ते आ अपनी रोजी रोटी छड्ड दित्ती आ। जदा श्रोमणी कमेटी इन्हां नू कितें ग्रंथी ला लवे जां पाठी ला लवे, अगर जे श्रोमणी कमेटी इन्हां दी बाह नहीं पड़दी तो साडे जिहड़े विदेश वसदे सिख वा सिख संस्थावां वा उन्हां ये दो ग्रंथियां नू जरूर रोजी रोटी ते पाउण ताकि मिसाल बन सके गां वास्ते होर भी कोई ग्रंथ जिहड़ा वा वो चंगे काम वास्ते पहल कर सके। सो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, आप जी का भी धन्नवाद। इस पिंड लादूका जिथे दो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहला प्रकाश सीगे पर अज वो आपसी सहमति दे नाल बड़े प्यार दे नाल हुण अज तो एक प्रकाश हो गया हैगा। और प्रचार की जिहड़ी कमी हैगी वो लोगों ने कहा और कहिंदे साडे अंदर सिक्खी है, सानू प्रचार जिहड़ा हैगा कोई करके दिखावे करके सुनावे सानू समझावे सिक्खी दे राह ते पावे ते असीं सिंघ सज्जन नूं तैयार आ। देखदे रहो पंजाब के टी वी वीडियो जर्नलिस्ट अर्शपिंदर सिंह नाल जसवीर सिंह।